वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो है टॉपिक होगा मेथड ऑफ मेजरिंग इरेगुलरिटी। पिछले हम लोग जो लेक्चर में डिस्कस किए इरेगुलरिटी को, जो है टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटी, रैंडम जो है वेरिएशन को, जो है रैंडम वेरिएशन, पीरियडिक वेरिएशन, इंडेक्स ऑफ इरेगुलरिटी, डिफरेंट टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया, आप समझ भी गए थे। तो आज हम लोग जो है इस जो इरेगुलरिटी जो हमारी यार्न में, स्लाइवर में, रोविंग में हमारी जो इरेगुलरिटी है, अनइवननेस है, इस अनइवननेस को हम जो है मेजर करते हैं और इसको हम किस मेथड से, किन किन मेथड से मेजर करते हैं, इस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है वो मेथड को डिस्कस करेंगे जिससे जो है हम यार्न की अनइवननेस और इरेगुलरिटी को मेजर करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उन सारे मेथड को हम क्रमबद्ध वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। अनइवननेस, यहाँ हम जो है अनइवननेस को जो है समझेंगे फिर से, थोड़ा सा अनइवननेस को हम लोग जो है देखेंगे कि हमारी अनइवननेस इरेगुलरिटी क्या होती है। द मास पर यूनिट लेंथ वेरिएशन, यहाँ पे जो है अनइवननेस हमारी मास पर यूनिट लेंथ वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन इन फाइबर असेंबली इज जनरली नोन एज इरेगुलरिटी। जो हमारी इरेगुलरिटी है मास पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ आप जो है 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 इंच ले सकते हैं, कोई भी लेंथ जो है आप ले जो है ले लें, फिक्स एक लेंथ ले लें और उस लेंथ के जो है आप टुकड़े जो है स्लाइबर से, रोविंग से, यार्न से कट कर लीजिए और उसका वेट करते जाइए, क्रमशः आप वेट करते जाइए। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि उसके वेट में जो है फिक्स लेंथ है और फिर भी उसके वेट में जो है स्लाइटली वेरिएशन है। ये वेरिएशन क्यों है? क्रॉस सेक्शन में जो हमारा फाइबर है, स्लाइबर है, रोविंग है, उसके क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन है या और उसके जो है मास, उसकी वजह से उसके मास पर यूनिट लेंथ में वेरिएशन है। तो ये हमारी इरेगुलरिटी, नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन वेरी करते हैं, इस वजह से हमारी इरेगुलरिटी ये क्रिएट होती है, अनइवननेस हमारी यार्न में, स्लाइबर में बनती है। द मास पर यूनिट लेंथ वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन इन फाइबर असेंबली इज जनरली नोन एज इरेगुलरिटी आर अनइवननेस। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू हैव न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट मास वेरिएशन। और इस जो है अनइवननेस को जो है हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है कैलकुलेट करते हैं इस मास वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। तो आप देखिए जो हमारा वेरिएशन क्या होता है, जो हमारा कोई भी जो है स्लाइबर है, रोविंग है, यार्न है, यूनिफॉर्म डायमीटर में होना चाहिए, यूनिफॉर्म डायमीटर में होना चाहिए। बट जो है मेटेरियल हमारा कहीं थिन होता है, आप ये थिन प्लेस देख रहे हैं, और कहीं थिक होता है, जो है जहां पे नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा वो थिक हो जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन कम हो जाते हैं वहां पे जो है थिन हो जाता है पोर्शन। यहाँ पे हमारी नेप्स है, आप नेप्स सभी लोग जानते ही हैं, एक जो है अनमेच्योर फाइबर की जो है एक बॉल बन जाती है जो यार्न में के साथ ट्विस्ट होती है, वहां पे जो है एक 1 mm लेंथ में जो हमारा जो है डायमीटर सडन जो है बढ़ जाता है, इसको हम जो है नेप्स, यार्न में अगर नेप्स है तो डायमीटर वहां सडन बढ़ जाएगा, थिक जो है पोर्शन जो है यार्न जो है थिक हो जाता है। इस तरीके के जो हमारे वेरिएशन है ये हमारे जो है अनइवननेस इरेगुलरिटी जो है फॉर्म करते हैं यार्न में, स्लाइबर में, रोविंग में। जो हमने ऊपर मेथड जो है पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से जो आप यूनिट लेंथ को जो है कट कर लीजिए और उसके वेट को जो है प्लॉट करते जाइए ग्राफ पे, ये आपका जो है एवरेज वेट होगा और एवरेज वेट के रिस्पेक्ट में आप जो है वेट को जो है प्लॉट करते जाइए। तो आप अगर 20 जो है आपने टुकड़े कट किया है, पीसेज कट किया है, या 10 पीसेज कट किया है और उसको जो है आप जो है क्रमशः जो है ज्वाइन कर दीजिए, तो हमारा इस तरीके से एक कर्व फॉर्म होता है जो इरेगुलरिटी को जो है शो करता है यार्न में, स्लाइबर में, रोविंग में, लैप में, जो है ये आपकी इरेगुलरिटी जो है शो कर रही है कि हमारा मटेरियल जो है इरेगुलर है। अगर ये इस इरेगुलरिटी का लेवल अगर जो है ज्यादा एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होता है तो हमारी इरेगुलरिटी का लेवल ज्यादा है, ये इस इरेगुलरिटी हमारी जितना ही एवरेज जो मास है उस इरेगुलरिटी उस एवरेज मास के जितना ही क्लोज होगा उतना ही इरेगुलरिटी का लेवल कम होगा।
मेथड ऑफ मेजरिंग इरेगुलरिटी, उस इरेगुलरिटी को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड जो है अडॉप्ट करते हैं, किस किस मेथड से हम इरेगुलरिटी को मेजर करते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। दिस कुड बी डिफाइंड एज वेरिएशन इन ए यार्न वेट और थिकनेस पर यूनिट लेंथ। दिस कुड बी डिफाइंड एज द वेरिएशन इन यार्न वेट और थिकनेस पर यूनिट लेंथ। हम जो है पर यूनिट लेंथ में जो है जो वेरिएशन होता है उसी को हम जो है यहाँ पे जो है इरेगुलरिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। इवनेस ऑफ यार्न इज मेजर्ड बाई फॉलोइंग मेथड, और यार्न के इवनेस को या अनइवनेस को, यार्न इवनेस या अनइवनेस को हम जो है इन मेथड से जो है मेजर करते हैं। विजुअल एग्जामिनेशन, विजुअली जो हम मेटेरियल को देख करके किन किन मेथड से, ब्लैक बोर्ड, ड्रम, फोटोग्राफिक डिवाइस, प्रोजेक्शन पैटर्निंग, प्रिडिकेटर, लैप मीटर के माध्यम से, कटिंग एंड वेइंग मेथड में जो है लैप स्केल, लैप मीटर, स्लाइबर टेस्ट, हैंक रैपिंग, काउंट वेरिएशन, शॉर्टकट लेंथ, इस मेथड से जो हम जो है इरेगुलरिटी को मेजर करते हैं। वेरिएशन इन थिकनेस अंडर कंप्रेशन, ये जो है वेरिएशन इन थिकनेस अंडर कंप्रेशन, यानी मेटेरियल को जो है उसके डायमीटर को जो है कंप्रेस करके हम जो है दो मीटर से मेजर करते हैं। वीरा रोविंग लेवनेस टेस्टर, वूल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन और लिनरा लिलेन इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन रोलर यार्न डायमीटर टेस्टर के माध्यम से ये दो मेथड जो है हम थिकनेस को मेजर करके थिकनेस मेजर करने में ये दो मेथड हम जो है अडॉप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस टेस्टर में जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस टेस्टर में हमारे दो मेथड फिल्डन वाल्कर एंड इवनेस रिकॉर्डर और दूसरा उस्टर इवनेस टेस्टर। एक जो है इवनेस में जो जो है इरेगुलरिटी हम लोग जो मेजर करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस टेस्टर। इसी को मॉडर्न इंडस्ट्री जो है आजकल इंडस्ट्री में ज्यादा जो है मेथड आपका पॉपुलर है और इसी मेथड को हम लोग जनरली अडॉप्ट करते हैं। उस्टर इवनेस, उस्टर हमारा जो है काफी पॉपुलर है, इसको हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे और इसको आगे के लेक्चर में स्पेशली इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक टेस्टर, वीरा फोटो इलेक्ट्रिक टेस्टर एंड लिनरा टेस्टर, ये हमारे जो है मेथड है। इन मेथड से जो है अलग अलग मेथड है हमारे, इन अलग अलग मेथड से हम यार्न की इरेगुलरिटी को मेजर करते हैं। आइए एक एक मेथड को जो है यहाँ पे उसके कंसेप्ट को, प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। विजुअल एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप जो है एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिससे जो है ये हमारा यार्न जो है एक बोर्ड पे जो है रैप कर दिया गया और इसको हम विजुअली देख रहे हैं, इसको हम जो है देख रहे हैं कि यार्न में हमारे किस किस तरीके के फॉल्ट हैं, कहाँ पे थिक प्लेस है, कहाँ पे थिन प्लेस है, या कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर जो है पीरियडिक वेरिएशन अगर यार्न में है तो यहाँ पे यार्न में एक पैटर्न फॉर्म होगा, तो इस तरीके से हम बोर्ड पे जो है यार्न का जो है डिस्प्ले करके, बोर्ड पे रैप करके जो है यार्न को, और हम इस यार्न की क्वालिटी को, इरेगुलरिटी को जो हम मेजर करते हैं। आइए देखते हैं। इन दिस मेथड यार्न इवनेस इज चेक्ड बाय रैपिंग इनटू ए ब्लैक बोर्ड इन यूनिफॉर्मली स्पेस टर्न टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑप्टिकल इल्यूशन कॉज्ड बाय इरेगुलरिटी, यानी हम इसको एक बोर्ड पे जो है रैप कर लेते हैं और इसको लाइट सोर्स के माध्यम से जो है हम इसको विजुअली जो है देखते हैं, और दीज बोर्ड आर देन चेक्ड अंडर प्रॉपर लाइटिंग अंडर यूजिंग ए यूनिफॉर्म एंड अनडायरेक्शनल लाइट। नॉर्मली विजुअल एग्जामिनेशन इज डन विदाउट एनी कंपेरिजन विथ स्टैंडर्ड, इस जो है जनरली जो है इसका किसी जो है स्टैंडर्ड से हम लोग कंपेरिजन नहीं करते हैं, नहीं होता है। इफ देयर आर पीरियडिक फॉल्ट इन द यार्न दे प्रोड्यूस ए वुडी पैटर्न विच इज क्लियरली विजुअल, अगर इस आप जैसा कि आपको जब पता है कि हमारे जो वेरिएशन है दो तरीके के होते हैं, रैंडम वेरिएशन और पीरियडिक वेरिएशन। अगर अगर जो है यार्न में पीरियडिक वेरिएशन है तो यहाँ पे जो है एक वुडी पैटर्न फॉर्म होगा, एक जो है पैटर्न फॉर्म होगा जो क्लियरली विजुअल होगा। कटिंग एंड वेइंग मेथड, अगला हमारा मेथड है कटिंग एंड वेइंग मेथड। इन दिस मेथड द वेरिएशन इज वेरिएशन इन द नंबर ऑफ फाइबर इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ यार्न रोविंग स्लाइबर एंड लैप इज एसोसिएट विद द वेरिएशन इन द वेट पर यूनिट लेंथ।
आपका जो रोविंग स्लाइवर और लाइफ है उसमें जो है जो नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन में जो वेरिएशन है उस वेरिएशन से जो है वेरिएशन की वजह से वेट पर यूनिट लेंथ में भी वेरिएशन होता है, और इसी को हम जो है यहाँ पे वेट पर यूनिट लेंथ में जो है वेरिएशन को जो है मेजर करते हैं, और हम यार्न में स्लाइवर में रोविंग में वेरिएशन को न्यूमेरिक वैल्यू में जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा वेरिएशन का लेवल क्या है। इन फॉर डिटर्मिनेशन द मास वेरिएशन ऑफ यार्न कंजक्यूटिव लेंथ ऑफ यार्न आर कट एंड वेटेड, देन यार्न विथ इक्वल लेंथ ऑफ 2.5 सेमी इज कट बाई रनिंग ए रेजर ब्लेड अलोंग द ग्रूव्स, दीज लेंथ ऑफ यार्न आर देन वेटेड एंड सेंसिटिव वेइंग बैलेंस बाई प्लॉटिंग द मास ऑफ ईच लेंथ वी प्रोड्यूस ग्राफ। यहाँ पे जो है आप ग्राफ में जो है यहाँ पे क्या है हम यार्न जो ले लिए और यार्न को जो है 2.5 सेमी जो है 1 इंच का एक एक जो है पीसेज कट करते जाएंगे और उस पीसेज को जो है इस ग्राफ पे उसके जो है एक सेंसिटिव जो है कह रहा है कि एग्जैक्टली जो हमारा वेट जो है मेजर करके वेट बताए और उस वेट को जो है हम एक एक मीटर का एक एक इंच जो है यानी 2.5 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा यार्न से कट करते जाएंगे और वेट करते जाएंगे और वेट को जो है इस ग्राफ पे जो है प्लॉट करते जाएंगे। तो हम देखेंगे इस तरीके से आपने 10-20 जो भी आपने टुकड़े कट किया उसको इस ग्राफ पे प्लॉट किया और उसको जो है एक एक को जो है हम ज्वाइन कर देते हैं, जो है कर्व को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक जो है रैंडमली कर्व या पीरियडिक कर्व जो है फॉर्म हो जाता है मिलता है। इससे हम वेरिएशन के लेवल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा मेटेरियल में वेरिएशन कितना है और किस टाइप का वेरिएशन है। कटिंग एंड वेइंग मेथड्स में जो है आपने ऊपर जो प्लॉट ग्राफ जो प्लॉट किया देखा उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं। ए मैथमेटिकल मेजरमेंट इज आल्सो नेसेसरी फॉर दिस अनइवननेस ऑफ यार्न, द फर्स्ट कह रहे कि जो अनइवननेस है इसका मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन जो होना चाहिए नंबर में कैलकुलेशन होना चाहिए कि जो है हमारा वेरिएशन कितना है। द फर्स्ट टर्म इज यूज्ड बाय उस्टर टेक्नोलॉजी टू डेजिग्नेट यू परसेंट, और इस न्यूमेरिक कैलकुलेशन को जो है फर्स्ट जो है उस्टर टर्म में जो है यू परसेंटेज के रूप में जो हम इसको डेजिग्नेट करते हैं यू परसेंटेज के रूप में देखते हैं इसको। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एक तो परसेंटेज मीन डेविएशन निकाल लेते हैं, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हम सैंपल से जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। द एवरेज वैल्यू फॉर ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कैलकुलेटेड एंड देन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल मीन व्हिच इज नोन एज परसेंटेज मीन डेविएशन। हमने आपको जो है परसेंटेज मीन डेविएशन के बारे में बताया है कि परसेंटेज मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस फार्मूले से जो है इस्तेमाल करके हम लोग जो है जो वेट आया एक एक सैंपल का वेट आया उससे जो है हम परसेंटेज मीन डेविएशन जिसको यू परसेंटेज कहते हैं उस्टर वैल्यू कहते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी उस्टर वैल्यू परसेंटेज मीन डेविएशन सीधे आपके यार्न में स्लाइवर में जो है अनइवननेस लेवल को इंडिकेट करता है, यानी यू परसेंटेज या पीएमडी वैल्यू आपकी अगर ज्यादा है तो वेरिएशन ज्यादा है, पीएमडी वैल्यू कम है तो वेरिएशन कम है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाई स्क्वायरिंग द डेविएशन फ्रॉम द मीन which is then expressed at the percentage of overall mean। आपका जो है coefficient of variation यहाँ पे जो है calculate कर लेते हैं, आप coefficient of variation का आपको formula हमने बताया है उसके माध्यम से जो है coefficient of variation calculate कर लेते हैं। The deviation having a normal distribution about the mean are correlated। जो deviation होगा उसको जो है in CV coefficient of variation और percentage mean deviation में generally एक relation form होता है जो near about इसके होता है CV percentage equal to 1.25 into जो है percentage mean deviation। वेरिएशन इन थिकनेस अंडर कंप्रेशन, अगला मेथड हम देखते हैं वेरिएशन इन थिकनेस अंडर कंप्रेशन मेथड से वेरिएशन को हम यहाँ मेजर करेंगे कंप्रेशन मेथड से। यहाँ पे दो मेथड हमारे इस्तेमाल होंगे एंडरसन और लिनरा जो है हमारे दो मेथड होंगे। एंडरसन मेथड यहाँ पे आप इस फिगर के माध्यम से देखें, ये हमारी एक जो है एनविल प्लेट है और इस एनविल प्लेट और ये आपका जो है शू है इन दोनों के बीच से हमारा यार्न पास होता है और यार्न जहाँ पे थिक होगा थिन होगा ये शू जो है हमारा
अप डाउन वेरिएशन करता है, और अप डाउन जो वेरिएशन होता है, यहाँ पे एक हमारी जो है लिनियर, आप लिनियर जो है लाइन देख रहे हैं, इसी से जो है हमारा ज्वाइन होता है इशू, और यहाँ पे लाइट सोर्स, यहाँ पे मिरर है, मिरर पे हमारी लाइट सोर्स जो है इंसिडेंट होती है, जो है मिरर पे जो है लाइट सोर्स हमारी आती है और रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में जाती है। अगर हमारा स्टेबल है तो कंटिन्यूअस इसी डायरेक्शन में जाती रहेगी लाइट, और जब हमारा यार्न जब थिक थिन आता है, थिक थिन आएगा तो शू हमारा अप डाउन मूवमेंट करेगा, और अप डाउन मूवमेंट से मिरर में भी अप डाउन मूवमेंट होगा, और जब मिरर में अप डाउन मूवमेंट होगा तो इंसिडेंट जो हमारी लाइट है, जो लाइट है, लाइट सोर्स जो है रिफ्लेक्ट होकर के, और उसमें जो भी वेरिएशन होगा, जो उस लाइट सोर्स में वेरिएशन होगा उसको हम लोग जो है ग्राफ के रूप में प्लॉट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उससे हम जो है अपने यार्न में वेरिएशन को कोरिलेट कर देते हैं, रिलेशन जो है देख लेते हैं यार्न में जो है कितना है। आइए इस मेथड को समझते हैं। यार्न रनिंग थ्रू फ्लैट एनविल, ये हमारी फ्लैट एनविल है, ओनली 2.5 ग्राम प्रेशर अप्लाइड आर्न यार्न, यहाँ पे जो है 2.5 ग्राम का शू के माध्यम से हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं। द रिकॉर्डिंग द यार्न थिकनेस वेरिएशन टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल अरेंजमेंट, इसका जो थिक थिन जो है हमारा अनइवननेस का लेवल है वो जो है ऑप्टिकल अरेंजमेंट के माध्यम से हम रिकॉर्ड करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द शू मे बी मैग्निफाइड 200 to 500 टाइम्स एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द वेरिएशन ऑब्टेन, आपका जो है जो वेरिएशन हो रहा है उसको 200 टू 500 रेंज में जो है मैग्निफाई कर दिया जाता है और उसको जो है एक परमानेंट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये इस तरीके से हमारा एंडरसन यार्न टेस्टर जो है वर्क करता है। अगला जो हमारा जो मेथड है लिनरा रोलर टेस्ट, लिनरा जो है रोलर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको देखते हैं। यार्न पासिस अराउंड द सीरीज ऑफ रोलर सो दैट इट लाई बिटवीन 4 निफ द प्रेशर बीइंग अबाउट 5 ग्राम, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि ये 4 रोलर हैं हमारे जो है, इन रोलर के बीच से हमारा यार्न जो है पास हो जो है गुजरता है, और इस जो हमारा अपर रोलर है यहाँ पे एक एनविल जो है इस के जो है सरफेस कांटेक्ट में, और एनविल के सरफेस कांटेक्ट में हमारा माइक्रोमीटर है। यार्न में अगर जो है वेरिएशन आता है, यार्न के डायमीटर में वेरिएशन आता है, मास क्रॉस सेक्शन फाइबर इन क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन आता है, तो हमारा जो है जो अपर रोलर है वो अप डाउन होता है, यानी उसमें जो है अगर थिक आएगा तो ऊपर जाएगा और थिन आएगा तो नीचे आएगा। एनविल भी उसके साथ में जो है मूवमेंट करती है अप डाउन, और एनविल जो है माइक्रोमीटर से जो है कनेक्ट है, और माइक्रोमीटर जो है उस वेरिएशन को जो है रीड करता रहता है, प्लॉट करता रहता है, और उस वेरिएशन को जो है हम ग्राफ के माध्यम से जो है जो हमारा प्लॉट हो रहा है ग्राफ उसके माध्यम से हम मेजर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं लिनर रोलर यार्न डायमीटर टेस्टर। यार्न पासिस अराउंड ए सीरीज ऑफ रोलर सो दैट इट लाई बिटवीन 4 निप्स द प्रेशर बीइंग अबाउट 5 ग्राम, द टॉप रोलर सपोर्ट ए स्मॉल एनविल ऑन विच द प्लंगर ऑफ द माइक्रोमीटर रेस्ट, जिसपे की जो है एनविल के ऊपर माइक्रोमीटर हमारा रेस्ट यानी कर रहा है, यानी जो है जो रखा हुआ है। टॉप रोलर बीइंग यूज टू एक्यूएट मैकेनिकल आर इलेक्ट्रिकल पेन रिकॉर्डर, जो हमारा टॉप रोलर है उसके जो माइक्रोमीटर है उससे हम जो है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल रिकॉर्डर से ज्वाइन है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट वर्क सेटिस्फैक्टरली विथ कोर्स एंड मीडियम फ्लैक्स यार्न अप टू अबाउट 60 काउंट एंड एरियान स्टेपल यार्न विथ ट्विस्ट फैक्टर ऑफ 1.5, कह रहे कि ये इंस्ट्रूमेंट जनरली कोर्स काउंट के लिए जो है और फ्लैक्स काउंट में ज्यादा सुटेबल होता है। फ्लैक्स यानी लिलेन यार्न में जो है हम इस के माध्यम से जो है अनइवननेस को मेजर करते हैं। लिलेन यार्न हमारा वेट लिलेन यार्न जो है हमारा जो रिंग फ्रेम पे प्रोड्यूस होता है वेट प्रोसेसिंग यूज होती है। वेट प्रोसेसिंग में जो है ये काफी सुटेबल जो है ये मेथड जो है काफी सुटेबल होता है मेजर यार्न में वेरिएशन मेजर करने के लिए। फॉर एवर बोथ टेस्टिंग इन इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ बंडल ऑफ यार्न, अगर आप जो है डबल यार्न मल्टीप्लाई यार्न का जो है अगर आप अनइवननेस मेजर करते हैं तो उस केस में सीवी यार्न यानी सिंगल यार्न का जो है सीवी कितनी होगी, सीवी बंडल इंटू अंडर रूट यार्न, इससे जो हम जो है आप सिंगल यार्न का जो है सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप बंडल यार्न मेजर कर रहे हैं तो।
इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटेंस टेस्ट सर एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण मेथड है। इस मेथड को जो है हम यहाँ पे प्रिंसिपल को केवल डिस्कस करेंगे और बाद में हम सेपरेट जो है इस मेथड का अलग से एक लेक्चर जो है आपको देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटेंस टेस्टर को जो है अलग से आपको जो है डिटेल में जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हम इस मेथड के प्रिंसिपल को समझ लेते हैं कि ये मेथड हमारा जो है कैपेसिटेंस मेथड जो है कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप जो है देख रहे होंगे ये हमारी दो प्लेटें हैं, दो जो है सिरामिक प्लेट है और इस सिरामिक प्लेट से जो हमारा कैपेसिटर इलेक्ट्रोड जो है जुड़ा रहता है, दोनों प्लेटों में है और इस प्लेट के बीच से जो है हम जो है मटेरियल को रोविंग स्लाइवर यार्न को जो है पास कराते हैं और जब पास करते हैं तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है। उस कैपेसिटेंस में जो है कोई भी जब टेक्सटाइल मटेरियल पास होता है तो इस कैपेसिटेंस में चेंजेज आता है, चेंज होता है कैपेसिटेंस हमारा चेंज हो जाता है। और अगर मटेरियल हमारा एक समान है, यूनिफॉर्म मटेरियल है तो चेंज भी जो हमारा यूनिफॉर्म होगा, कोई चेंज में वेरिएशन नहीं होगा। अगर मटेरियल हमारा अनइवन है यानी मोटा और पतला है, थिक थिन है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन है तो जो हमारा कैपेसिटेंस में जो चेंजेस होगा वो थिक आएगा तो चेंज हो जाएगा, थिन आएगा तो चेंज हो जाएगा। यानी जैसे हमारा मेटेरियल थिक थिन आता जाएगा कैपेसिटेंस में भी चेंज होता जाएगा। उस इसी चेंजेज को इसी थिक थिन जो है प्लेस की वजह से जो कैपेसिटेंस में चेंजेज होते हैं इस चेंजेज को हम जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं डिजिटल जो है हमारी रिकॉर्ड पेन से जो है हम इस जो है कैपेसिटेंस में जो चेंजेज हो रहा है उसको जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसी रिकॉर्ड से जो हम अपने वेरिएशन को जो है कोरिलेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैसे वर्क करता है कैपेसिटेंस मेथड को जो है हम। इन दिस केस प्रिंसिपल इज दैट करंट फ्लो थ्रू ए कैपेसिटर अल्टर्ड विथ मटेरियल अमाउंट इनसाइड द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कह रहा है कि इस मेथड में इन दिस केस द प्रिंसिपल इज दैट करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर जो है करंट हमारी कैपेसिटर के थ्रू जो है करंट फ्लो हो रही है अल्टर विथ मटेरियल अमाउंट इनसाइड द टू प्लेट ऑफ और कैपेसिटर। जब इस दो प्लेट दो कैपेसिटर के बीच में हमारा जब मेटल जो है पास होता है तो एक करंट जो है क्या होती है वेरी करती है। सो If yarn passes through the capacitor plate, the current flow change with respect to thickness, mass of yarn, thick, thin places. कह रहा है कि जो है जब हमारा यार्न पास होता है तो जो कैपेसिटर में कैपेसिटर प्लेट से जो करंट जो है पास हो रही है जो कैपेसिटेंस है वो जो है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ मटेरियल। अगर हमारा मटेरियल थिक और थिन आता है तो उसके अनुसार जो है हमारे करंट में कैपेसिटर के करंट में जो है चेंजेज होता है और इसी चेंजेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दिस सिग्नल देन प्रोसेस्ड बाय डिजिटल प्रोसेसर टू गेट मास वेरिएशन। और इसी सिग्नल को जो चेंजेज हो रहा है जो कैपेसिटेंस करंट में जो चेंजेज हो रहा है उसी चेंजेज को हम लोग जो है डिजिटल प्रोसेसर के माध्यम से हम उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं और वेरिएशन को हम कोरिलेट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इसको जो है डिजिटल कैपेसिटर को आप समझे होंगे और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आप आने वाले लेक्चर को जो है कैपेसिटेंस के लिए जो है आप जरूर देखिएगा। आपको वहां पे जो है उस्टर को हम और फिल्टन वाल्कर जो है दो हमारे इंस्ट्रूमेंट है दोनों को हम डिटेल में जो है डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस मेथड को जो है अफेक्ट करते हैं। एक जैसे जो है इसमें जो है मॉइस्चर जो है मॉइस्चर से हमारा ये मेथड जो है काफी इफेक्ट होता है। मॉइस्चर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मॉइस्चर में वेरिएशन होगा तो कैपेसिटेंस में चेंजेज होगा और जो हमारे रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक टेस्टर अगला हमारा जो मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक टेस्टर। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड ऑन टू, यहाँ पे जो है हम इस मेथड को थोड़ा सा समझ लें। ये हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारी जो है लेंस है और ये हमारा यार्न है जिसका हमें जो है अनइवननेस टेस्ट करना है। ये स्लाइट है, स्लाइट को जो हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ यार्न। ये हमारा लेंस है जो लाइट सोर्स को कंट्रोल करता है और ये हमारा जो है फोटो सेल है जिस पे जो है हमारी लाइट सेल इमर्ज होती है फोटो सेल पे और जितनी हमारी लाइट इस फोटो सेल पे पहुंचती है उसी के अकॉर्डिंग उसी प्रोपोर्शन में हमारी करंट
फ्लो होती है। तो हम इस लाइट सोर्स अगर कम पहुंचेगा तो करंट कम फ्लो होगी, लाइट सोर्स ज्यादा पहुंचेगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। और यार्न जब इसके बीच में आपका यार्न आ जाता है तो इस लाइट सोर्स को जो है फोटो सेल पे जो लाइट सोर्स पहुंच रही थी वो हमारी वेरी कर जाती है वेरी। और अगर एक यूनिफॉर्म यार्न है तो कांस्टेंट वेरिएशन रहेगा। अगर ये हमारा यार्न में वेरिएशन हो रहा है यानी थिक थिन प्लेसेज आ रहा है, मोटा पतला यार्न हो रहा है, तो यहाँ पे करंट में वेरिएशन भी जो है होता जाएगा। उसी वेरिएशन को हम लोग जो है प्लॉटर के माध्यम से रिकॉर्ड करते जाते हैं और हम यार्न के वेरिएशन को कोरिलेट करते हैं इस वेरिएशन से। तो आइए देखते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड ऑन टू ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। कह रहा है कि ये प्रिंसिपल है इसका कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, जब जो है कोई भी लाइट बीम जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे जो है जो है इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे जो है पड़ती है तो हमारी जो है लाइट करंट जो है प्रोड्यूस होती है। कह रहे हैं व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड ऑन टू ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सेल। जो हमारा ये लाइट सेंसिटिव पार्ट है फोटो सेल, जो लाइट सेंसिटिव पार्ट है यहाँ पे जो है ये जो करंट की मात्रा है वो इस पे डिपेंड करती है इस की लाइट सोर्स इस पे कितनी मात्रा में जो है इंसिडेंट हो रहा है इस पे। तो आप प्रिंसिपल को यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट जो है रिलीज हो रही है और लेंस जो है इसके माध्यम से हमारा यहाँ पे जो है इसके डायरेक्शन में, लाइट के डायरेक्शन में ही हमारा यार्न है, यार्न को हम पास कराते हैं तो लाइट सोर्स हमारा जो है डिस्टर्ब होता है। और यार्न जो है यार्न का जो डायमीटर के अकॉर्डिंग जो है हमारे लाइट सोर्स यहाँ पे कम या ज्यादा होते हैं, उसी के अनुसार हमारी करंट जो है कम ज्यादा होती है। लाइट यार्न में वेरिएशन है तो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग भी करंट जो हमारी वेरी करती जाती है, उसको हम प्लॉटर के माध्यम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इफ ए पार्ट ऑफ लाइट इज कट ऑफ बाय यार्न पासिंग बिटवीन इट्स सोर्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक सेल द करंट फॉलोइंग विल वेरी एज थिकनेस ऑफ यार्न वेरीज। जैसे जैसे हमारा यार्न वेरी करता है वैसे वैसे जो है हमारी करंट जो है वेरी करती रहती है। जो हमारे जो आपने ऊपर फिगर देखा उस फिगर में जो है स्टेबलाइज सोर्स ऑफ लाइट ए जो है स्टेबलाइज हमारा लाइट सोर्स है और जो बी है ऑप्टिकली सिस्टम ऑफ काउंट कंट्रोल ऑफ द लाइट जो है लाइट को कंट्रोल करने के लिए ऑप्टिकल सिस्टम है और सी जो है स्लाइट आ वेरिएशन विथ थ्रू विच द यार्न पासेस। जहां से यार्न हमारा पास हो रहा है वो सी पोर्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो जहां पे लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है वो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक सेल डी है। कह रहे कि सुटेबल मीटर एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट वेरिएशन एंड प्रोड्यूस एंड इरेगुलरिटी ट्रेस ई। जो ई है जो करंट में हमारे वेरिएशन हो रहा है उसको जो है रिकॉर्ड कर रहा है और हमारे उस यार्न के वेरिएशन को इंडिकेट कर रहा है। एडवांटेज इस का एडवांटेज क्या, फोटो इलेक्ट्रिक टेस्टर इज अनएफेक्टेड बाय मॉइस्चर। इसका मॉइस्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेट स्पन फ्लेक्स यार्न आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द स्पिनिंग फ्रेम। और वेट स्पन यार्न जब हमारा फ्लेक्स यार्न जो है वेट स्पिनिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है रिंग फ्रेम से, उसका हम सीधे यहाँ पे जो है इस मेथड से जो है हम जो है उस्टर इस मेथड से जो है हम वेरिएशन को मेजर कर सकते हैं, अनइवननेस को मेजर करते हैं। अगला मेथड है हमारा ऑप्टिकल मेथड। द ऑप्टिकल मेथड मेजर्ड द वेरिएशन इन द डायमीटर ऑफ यार्न एंड नॉट इन इट्स मास। कह रहा है कि जो है ये जो है इसमें जो है डायमीटर में जो वेरिएशन है उसको जो है मेजर करता है। द इंस्ट्रूमेंट एंड इंफ्रारेड ट्रांसमीटर एंड टू आइडेंटिकल रिसीवर। कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा इंफ्रारेड लाइट है जो रिलीज हो रही है और यहाँ पे हमारा जो है रिसीवर है लाइट को जो है रिसीव कर रहा है और इस जो लाइट रिसीव हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे यार्न जो हम प्लेस कर देते हैं
तो यार्न जब हमारा इस सैंपल यार्न टेस्टिंग के लिए यार्न जब आ जाता है तो इन इस लाइट सोर्स को जो है डेविएट करता है, लाइट सोर्स कंप्लीटली यहाँ पे नहीं पहुंचती, तो जो मात्रा यहाँ पे रिशी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी करंट जो है प्लॉट होती है। अब लाइट अगर जो है इस जो है लाइट में वेरिएशन होता है, यानी यार्न में जो है थिक थिन प्लेसेज आएंगे, यार्न जो है थिक थिन होगा उस केस में लाइट में वेरिएशन होगा, और लाइट में वेरिएशन होगा तो करंट में भी हमारे वेरिएशन होगा। इसी करंट को हम लोग जो है यहाँ पे प्लॉट करते जाते हैं और उससे जो है हम डायमीटर के वेरिएशन को कोरिलेट करते हैं। द यार्न पासिस एट स्पीड थ्रू वन ऑफ द बीम ब्लॉकिंग ए पोर्शन ऑफ लाइट टू द मेजरिंग रिसीवर। जो लाइट जो है रिसीव हो रही थी उस लाइट रिसीवर के बीच में जो है यार्न हमारा जो लाइट को जो है ब्लॉक कर रहा है, लाइट रेज को जो है ब्लॉक कर रहा है, और उस जो है करंट में जो है डिफरेंस जो है पैदा कर रहा है, उसी जो है डिफरेंस से जो हम इसकी अनइवननेस को मेजर करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ दिस बीम इज कंपेयर्ड विद दैट मेजर बाय रेफरेंस रिसीवर एंड फ्रॉम द डिफरेंस इन इंटेंसिटी ए मेजर ऑफ यार्न डायमीटर इज ऑब्टेंड। For a constant level of twist in yarn, the mass of given length is reflected to its diameter by equation. कह रहे कि एक relation form होता है mass equal to c d square where c constant है, d diameter, यानी जो mass में variation होगा वो diameter के सीधे directly proportional होगा, यानी diameter कम हो रहा है तो mass कम होगा और diameter बढ़ रहा है तो mass बढ़ेगा। तो यानी इस डायमीटर से और मास में सीधे संबंध है, तो इस तरीके से हम जो है डायमीटर कम होगा तो लाइट सोर्स कम जो है ज्यादा जाएगी रिसीवर पे, और डायमीटर ज्यादा होगा तो लाइट सोर्स रिसीवर पे कम जाएगी, और जब कम और ज्यादा लाइट सोर्स रिसीवर पे जाएगी तो हमारे करंट में फ्लक्चुएशन भी कम उसी हिसाब से होगा, और हम यार्न के वेरिएशन को इस सिस्टम से जो है मेजर कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में आपने डिफरेंट मेथड को देखा जो यार्न के जो है वेरिएशन को इरेगुलरिटी को जो है हम मेजर करते हैं, और इसमें जो है हमने कैपस्टेंस को जो है मेथड को भी आपको बताया। इस कैपस्टेंस मेथड का लेक्चर हम जो है अगला लेक्चर जो है स्पेशली कैपस्टेंस के लिए जो है, क्योंकि आज के डेट में जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है मेथड है और जनरली हम इंडस्ट्री में इस मेथड को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो हम अलग से एक लेक्चर इस मेथड पे जो है देंगे। मैं समझता हूँ सारे मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जो है अगले लेक्चर का इंतजार करिए, और मैं एक साथ साथ ये भी कहूंगा कि अगर आपने इस जो है चैनल को स्टडी विद परम को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो आपको दी जा रही है जो है मिलती रहे। थैंक यू।